सबसे पहले आपको तो जानकारी होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर का बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी कोई बिजली आपके सर्किट में प्रवाहित हो रही होती है तो आप उसका वोल्ट भी चेक कर सकते हैं और एम्पियर मीटर भी चेक कर सकते हैं। एम्पियर को आप जानिए कि एम्पियर को कैसे चेक किया जाता है। एम्पियर का जो एम्पियर मीटर का जो कनेक्शन होता है वो सीरीज होता है। क्या होता है? सीरीज होता है। और क्या समांतर, उसमें फेज भी चाहिए और न्यूट्रल भी चाहिए, तभी ये आपको वोल्ट बताएगा, ठीक है। और एम्पियर मीटर का क्या कहानी है कि वो सीरीज में काम करता है। ओनली आप इसमें फेज को इन कीजिए और फेज को ही आउट कर दीजिए दूसरे टर्मिनल से, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एम्पियर मीटर का कनेक्शन। अब हम लोग जानेंगे कि वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वोल्ट मीटर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? वोल्ट मीटर के बारे में। तो वोल्ट मीटर जो है ये आप देखिए कि एसी वोल्ट मीटर है। कौन सा वोल्ट मीटर है? ये एसी वोल्ट मीटर है। और एसी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी के नीचे एसी का सिंबल दिया हुआ है, है ना। तो ये कौन सा वोल्ट मीटर हो गया? एसी टाइप वोल्ट मीटर। कौन सा हो गया? एसी टाइप वोल्ट मीटर। अब दूसरा कौन सा टाइप होता है? डीसी टाइप वोल्ट मीटर। क्या होता है? डीसी टाइप वोल्ट मीटर। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर डीसी का सिंबल दिया हुआ है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? डीसी टाइप वोल्ट मीटर। और इसका दूसरा भी नाम है एमसी टाइप वोल्ट मीटर। क्या नाम है? एमसी टाइप वोल्ट मीटर। अब तीसरा एक और प्रकार होता है वोल्ट मीटर का, एमआई टाइप। कौन सा होता है? एमआई टाइप वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कौन सा होता है? एमआई टाइप वोल्ट मीटर। एमआई टाइप का मतलब हो गया मूविंग आयरन। क्या होता है? मूविंग आयरन। तो इसमें आयरन मतलब क्वाइल लपेटा हुआ रहता है। क्या रहता है? इसमें क्वाइल लगा रहता है। इसका कहानी ये है कि इस वोल्ट मीटर को आप एसी में लगा दीजिए तो भी काम करेगा, डीसी में लगा दीजिए तो भी काम करेगा, आपका सर्किट ओके रहेगा, ठीक है। आप डीसी में लगाइए, एसी में लगाइए, आप नीचे देख सकते हैं इसमें एसी का भी सिंबल है और डीसी का भी सिंबल है। लेकिन आप अगर इस एमसी टाइप वोल्ट मीटर को एसी में लगाइएगा तो इसका क्या होगा? कहानी खत्म हो जाएगा। मतलब ये क्या होगा? जल जाएगा या फिर काम करना बंद कर देगा। ये ओनली किस कनेक्शन में होगा? डीसी में होगा। इसको क्या चाहिए? पॉजिटिव और निगेटिव चाहिए। इसको क्या चाहिए? पॉजिटिव और निगेटिव चाहिए। ये एसी में काम नहीं करता है। ये किस में काम करता है? डीसी में काम करता है। अब हम लोग समझेंगे इसके बारे में। अभी बताए थे थोड़ी देर पहले एसी टाइप वोल्ट मीटर। अगर आप इसको डीसी सर्किट में लगाते हैं तो इसका काम करना बंद हो जाएगा। ये काम नहीं करेगा बल्कि ये जल जाएगा, ठीक है। तो ये किस में काम करेगा? आपका एसी में काम करेगा, क्योंकि ये एसी वोल्ट मीटर है, एसी टाइप वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर तो आज हमने पढ़ लिया। अब हम लोग चलेंगे एम्पियर मीटर, ठीक है। एम्पियर मीटर क्या होता करेगा? एम्पियर मीटर आपका डिनोट करेगा, ठीक है। तो एम्पियर मीटर जो है सबसे पहले एसी टाइप एम्पियर मीटर। कौन सा? एसी टाइप एम्पियर मीटर। इसको हम एसी सर्किट में ही लगा सकते हैं। इसमें जो है ओनली फेज इन होता है, फेज इन होता है और फेज ही आउट होता है। कहने का मतलब ये हुआ इसमें सीरीज कनेक्शन होता है। क्या होता है? सीरीज कनेक्शन होता है। इसमें ओनली फेज इन होगा और इसका न्यूट्रल इन इसमें नहीं होता है। क्या होता है इसमें इन? फेज होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसी टाइप एम्पियर मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग लेके चलेंगे डीसी टाइप एम्पियर मीटर। कौन सा? डीसी टाइप एम्पियर मीटर। डीसी टाइप एम्पियर मीटर का मतलब हो गया ये डीसी सर्किट में पॉजिटिव को इन करेगा। डीसी सर्किट में पॉजिटिव को इस टर्मिनल पे इन करेगा और दूसरे टर्मिनल से पॉजिटिव ही आउट करेगा, क्योंकि ये डीसी सर्किट के लिए बना हुआ है, ठीक है। अगर इसका इस्तेमाल हम एसी सर्किट में करते हैं तो ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है। आप देख सकते हैं एम्पियर मीटर के नीचे यहाँ डीसी का सिंबल बना हुआ है, ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत है, इसको समझ चुके हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, एक होता है आपका MI टाइप एम्पियर मीटर। कौन सा? MI टाइप। इसमें आप देख सकते हैं A के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, नहीं है, तो ये कौन सा हो गया? MI टाइप मूविंग आयरन एम्पियर मीटर। आप नीचे, इसके नीचे देखिएगा, यहाँ AC का भी सिंबल है और DC का भी सिंबल है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? MI टाइप एम्पियर मीटर। इसका इस्तेमाल आप AC सर्किट में भी कर सकते हैं और DC सर्किट में भी कर सकते हैं। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल आजकल होने लगा है। क्यों होता है? अगर गलती से आपने AC एम्पियर मीटर को DC सर्किट में लगा दिया तो वो जल जाएगा, अगर DC एम्पियर मीटर को AC में लगा दिया तो भी जल जाएगा। लेकिन इसका कहानी अलग है, इसके अगर आप गलती ही करते हैं इस मीटर को कहीं पर लगाने में तो आपकी कोई त्रुटि नहीं होगी। ये दोनों सर्किट में काम आता है, AC में भी DC में। तो आज हम लोगों ने पढ़ा एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। थैंक यू।